this video is in association with rail resto ये कहानी ठाणे के उस ठाकरे की है और उसी ठाकरे जिसका नाम एकनाथ शिंदे है वो एकनाथ शिंदे जो जहां रहता था तो कभी पानी की दिक्कत हुई तो उस आदमी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उस आदमी ने ऑटो चलाकर मजदूरी करके आज महाराष्ट्र के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुका है वो एक नाथ शिंदे जहां ठाणे में हर जगह एक नाथ शिंदे के साथ बाला साहब ठाकरे की फोटो लगी है उद्धव ठाकरे वहां से गायब हैं और शिवसेना का जो मूल काडर कहा जाता है हिंदू वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ठाणे का मुसलमान भी उस एक नाथ शिंदे के साथ है वही एक नाथ शिंदे जो कभी ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते थे वही एक नाथ शिंदे जिनकी 2000 में उनकी आंखों के सामने उनके बेटे और बेटी डूब गए और वही एक नाथ शिंदे जो हमेशा से शिवसेना के लिए इतना प्रखर होकर बोलते थे कि 2014 में प्रचार करते वक्त 20 दिनों के लिए उनकी आवाज खत्म हो गई थी और इलाज करवाया गया फिर उनकी आवाज ठीक हुई अब नमस्कार मेरा नाम प्रशांत राय है ये वीडियो रेल रेस्ट्रो द्वारा प्रायोजित है रेल रेस्ट्रो एक ऐसा ऐप है जो आपकी ट्रेन में आपके सीट तक खाना पहुंचाता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेन में आपकी सीट तक स्वच्छ स्वच्छ और हाइजीनिक खाना पहुंचे तो रेल रेस्ट्रो का ऐप डाउनलोड करिए और ऑर्डर करिए बाकी लौटते हैं एक शिंदे की कहानी पर एक शिंदे वो नेता है जिनको लोगों ने चुना है एक बार की बात है उनके गुरु जब पहुंचे थे लोगों के पास और वो उन्होंने पूछा कि आप अपने पार्षद के रूप में किसको देखना चाहते हैं तब वहाँ हिंदू और मुसलमान सब एक साथ बोले कि हम एक नाथ शिंदे को अपने पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं और उसी वक्त उनकी एंट्री शिवसेना में होती है और वो पार्षद बन जाते हैं एक नाथ शिंदे के गुरु आनंद चिंतामणि दीघे साहब ने एक नाथ शिंदे को बनाया और आज पूरे थाने के लोग आनंद चिंतामणि दीघे का प्रतिबिंब देखते हैं एक नाथ शिंदे में और उनके अनुसार एक नाथ शिंदे असली शिवसैनिक है जो हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों के लिए लड़ते आ रहे हैं एक नाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था एक नाथ शिंदे के पिता गत्ता मजदूर थे गत्ता उठाते थे उनकी मां घर में जाकर काम करती थी और एक वक्त खुद एक नाथ शिंदे ऑटो चलाते थे लेबर का कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और एक नाथ शिंदे के साथ रहने वाले एक शख्स कहते हैं कि कभी कभी तो जब मजदूर कम होते थे तो खुद एक नाथ शिंदे लेबर बन जाते थे कभी कभी मछलियों को खुद से साफ करने लगते थे लेकिन काम नहीं छोड़ते थे और गरीबी के बावजूद एक शिंदे ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया आप सोचिए उस आदमी की कहानी जो थाने का ठाकरे कहा जा रहा है और वो आदमी जो आज महाराष्ट्र के राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया और जब देवेंद्र फडनवीस ने कल इस बात का ऐलान किया कि मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे होंगे तब लगा कि जमीनी नेता वाकई में जमीनी होता है शिवसेना के छप्पन विधायक हैं उसमें से उनतालीस चालीस विधायक एक नाथ शिंदे के साथ हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी है और अभी उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं लेकिन आज 40 विधायक अगर एक नाथ शिंदे के साथ हैं तो हमको और आपको समझने में देर नहीं लगना चाहिए कि एक नाथ शिंदे कितने जमीनी नेता है अभी ठाणे में जब से उन्होंने बगावत की है तो सारे शिव सैनिकों ने उनका पोस्टर लगाया है पोस्टर पर बाला साहब ठाकरे मौजूद हैं लेकिन उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है

क्षेत्र था उसमें पानी नहीं फैल पाया एक नाथ शिंदे के लिए कहा जाता है कि वो आरएसएस की के एक शाखा के प्रमुख थे वो जहां रहते थे किसान नगर में वहां पर बार बार पानी की दिक्कत हो रही थी और एक नाथ शिंदे को जब लोगों ने कहा तो एक नाथ शिंदे चले गए और उसके बाद पानी का समाधान निकाला गया मिला जुलाकर बात यह है कि एक नाथ सिंधे ने जमीन पर वो काम किया है जो शायद कोई नहीं कर पाएगा आनंद दिघे उनके गुरु हैं और आनंद दिघे ही उनको उस वक्त राजनीति में लाए थे जब एक नाथ सिंधे के एक बेटा और एक बेटी डूबकर मर चुके थे एक नाथ सिंधे ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था वो किसी से मिलना और बात करना नहीं चाहते थे लेकिन एक नाथ सिंधे के गुरु आनंद चिंतामणि दिघे जाते हैं और एक नाथ सिंधे को कहते हैं कि आपको जाना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा वो एक नाथ शिंदे जो कभी आर में थे वो एक नाथ सिंधे जो कभी शिवसेना के समर्थन से पार्षद बने विधायक बने और फिलहाल वो नगर विकास और सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे और उसके बाद एक नाथ सिंधे बगावत करते हैं बगावत करने के बाद पहले जाते हैं सूरत फिर जाते हैं गुवाहाटी फिर जाते हैं गोवा और अब मुंबई के चीफ के रूप में एक शिंदे को जाना जाएगा वो एक नाथ सिंधे जो गरीबी से निकल कर आए हैं वो एक नाथ सिंधे जो ऑटो चलाकर और लेबर का कॉन्ट्रैक्टर बनकर काम किए हैं और वो एक नाथ सिंधे जिन्होंने बताया है कि अगर आप चाह लें तो सब कुछ मुमकिन है बाकी आप एक नाथ सिंधे के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए मेरा नाम प्रशांत राय है आप जनता निरीक्षण देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद